जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस बिल्डिंग का। अगर देखिए इस बिल्डिंग की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो अंदर से जो हालत है वो ये है। यहाँ सारा कपड़े इस तरह से पड़े हुए हैं कि अगर यहाँ ऐसी कोई घटना होती है तो घटना सिर्फ बढ़ती ही जाती है, कम नहीं हो पाती है। क्योंकि हालत अगर आप देख रहे हैं, ये कपड़े की फैक्ट्री है, सामने जो फैक्ट्री थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही फैक्ट्री थी। आसपास के लोगों का यही कहना है कि 4-5 मंजिला जो मकान था, जो फैक्ट्री थी, उसमें एक में प्लास्टिक का काम होता था, दूसरे में खिलौने बनाए जाते थे, तीसरे में प्लास्टिक के बैग बनाए जाते थे, चौथे में कपड़ों का काम होता था। तो इस तरह से अगर आप अंदाजा लगाएं तो हर बिल्डिंग का यही हाल है। यहाँ पे जो सामने वाली बिल्डिंग थी जिसमें आग लगी है, जिसमें आज सुबह घटना हुई है, उसकी हालत भी यही थी। अगर आपको आगे की तस्वीर दिखाएं तो अगर कभी यहाँ ऐसी घटना होती है और किसी को भागने की जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे रास्ते भी इतने संकरे हैं कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे 2-3 लोगों से भी ज्यादा लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, जहाँ से लोगों को इतने सारे लोगों को भागना पड़ता है। लगभग उस बिल्डिंग में ऐसा बताया जा रहा है 200 से 250 कर्मचारी काम करते थे, कई फैमिली मेंबर वहाँ रहते थे, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं, यूपी बिहार से आते हैं, तो ये लोग उनके अपने परिवार के साथ रहते थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इनके साथ रहते थे, उनके साथ इस तरह से बिल्डिंग में मैनेज करना कितना मुश्किल है। देखिए अभी हम ऊपर से सिर्फ 3री मंजिल पर आए हैं और ये हालत है। इसमें टोटल 5 बिल्डिंग है, 5 फ्लोर है, 5 मंजिल है। अब सोचिए कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों को बाहर निकलना जो अंदर फंस जाते हैं, और किस तरह से ये घटना बड़ी होती है, इसका सिर्फ एक ही कारण है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ अंजलि गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो हमारी सहयोगी अंजलि की आप रिपोर्ट देख रहे थे और ये भी विडंबना है। दरअसल जितने भी इसमें मजदूर काम कर रहे थे वो यूपी बिहार से आते हैं और ज्यादातर लोग जिनकी मौत हुई है वो बिहार के रहने वाले हैं। और जो ये इमारत थी 5 मंजिला, इसमें नीचे कुंडी लगा दी जाती थी और लोग भाग नहीं पाए, इस वजह से उनकी दम घुटने से मौत हुई है, ताकि जो वर्कर हैं वो अंदर ही रहें, बाहर से कुंडी लगाई गई थी, ये भी एक बड़ी जानकारी मिली है। और जिस इमारत में आग लगी है उसमें 1 साल पहले भी आग लगी थी और उस वक्त खुद से आग पर काबू पाया गया था, यानी कि अगर उस वक्त जवाबदेही तय होती, दोषियों पर कार्रवाई होती, तो ये घटना हमें देखने को नहीं मिलती। और हर बार ऐसा होता है कि जब कोई घटना हो जाती है तब हम नींद से जागते हैं, जाँच होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन फिर से हमें ऐसी घटना देखने को मिलती है। और हमारे तमाम सहयोगी जो सुबह से आपको जानकारी दे रहे हैं कि सबसे बड़ा रेस्क्यू इस आग के लिए चलाना पड़ा, सबसे बड़े रेस्क्यू को चलाने के बावजूद 43 मौतें हुई हैं, 60 लोगों को निकाला जा चुका है, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, और न जाने कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए वो अब इस दुनिया में नहीं है और परिवार वाले विलाप कर रहे हैं। उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। कुछ लोग हमारे पास मौजूद है, देखिए जो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने नहीं हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घायलों की मदद करने के लिए आए हैं ताकि उन तक मदद पहुंचाई जाए। आप बताइए। मैम मेरा एक भाई है, सिर्फ 18 साल का है, वो रात में वहीं रुका हुआ था, अब सुबह से 5 बजे हमें मालूम हुआ, हम आए वब से हमें पता नहीं चल रहा वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, उनका फोन ऑफ जा रहा है पहली बात तो, और बता रहे 5 हॉस्पिटल में, न्यूज़ पे बता रहे 5 हॉस्पिटल है, हम स्टीफन वगैरह चेक करे जाके कुछ पता नहीं चला, हमारे घर पे वहाँ रोना होना हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं बिल्कुल अजीब से। हमें ये बता दिया है कि हमारा बंदा कहाँ है, हम जाके उनसे मिले तो हम उनसे कुछ करवाए, आगे करवाएंगे हम जो भी करवाना होगा, लेकिन ये बता ही नहीं रहे कहाँ है क्या है कुछ नहीं, और अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? 1 बजे रात में बात हुई थी उनसे, तो वो सही थे, वो काम कर रहा था, बोला मैं काम कर रहा हूँ, कल सुबह मिलूंगा, आज संडे तो वो मिलता मुझसे, बोला कल सुबह मिलूंगा, लेकिन वो सुबह मिलने की वजह से हमें पता चला 5 बजे ये हो गया। कितने बजे पता चला कि आग लगी है? 5 बजे सुबह हमें पता चला, हमारे दोस्तों ने और फोन किया कि भाई ऐसी सी बात है, वहाँ कारखाने में आग लग गई, हम इधर आए जब तक वो आ गई थी, क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड वाली आ गई, ये सब आ गई, फिर हमें जाने नहीं दिया गया अंदर, हम बाहर ही रह गए, और वो अब से पता ही नहीं चला मेरा भाई क्या है, सब रो रहे हैं, सब बहुत बुरी तरीके से घर पे परेशान है। वो काम कर रहे थे इस फैक्ट्री में? ये तो न्यू शिफ्ट गया था, उनका जो मालिक था वो न्यू शिफ्ट किया, 1.5 महीना हुआ है, पहले वो किसी और जगह था, अभी 1.5 महीना हुआ शिफ्ट किए हुए। हरे कृष्णा, जहाँ ये आग लगी है ये पहले अनाज मंडी के नाम से जानी जाती थी, फिल्मी स्थान अनाज मंडी, लेकिन अनाज मंडी ये खत्म हो चुकी है और अब ये कुर्सी यानी कि वाल जो चेयर होती है यानी चेयर का काम यहाँ पे चल रहा है, और लोग यहाँ पे आए दिन यानी कि सीलिंग होती है, लेकिन पैसा खिला करके ये सीलिंग रोक दी जाती है, और सर जो भी पैसा खाते हैं वो चले जाते हैं, और सीलिंग को कोई रोक नहीं है, ये फैक्ट्रीज एरिया नहीं है, अलीगल काम हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इसकी, लेकिन ये जो लोग यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, ये लोगों की जो हत्याएं हुई हैं ये जिम्मेवार वो हैं, ये पैसा सरकार को नहीं भरना चाहिए, ये उन लोगों को भरना चाहिए जो इनकी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ठीक है, और ये फैक्ट्रियां जो चला रहे हैं गलत चला रहे हैं, सॉरी
ठीक है, ये फैक्ट्रियां जो चला रहे हैं गलत चला रहे हैं, यहाँ पर कितने नोटिस आ चुके हैं। तो ये एक गंभीर बात है और लोगों का ये भी आरोप है कि जो ये रिहायशी इलाका है, गलियां भी संकरी है, यहाँ पर हर एक मकान में एक अवैध फैक्ट्री चल रही है, ये आरोप है। इस बीच कुछ रिएक्शन भी आ रहे हैं, हम पहले वो रिएक्शन देख लेते हैं। रिश्तेदार हैं इकराम और इमरान, और उनका जो फोन तो लग रहा है, लेकिन सर उनसे भी कोई संपर्क पूरी तरह से हो नहीं पा रहा। आपको कब पता चला कि इस तरीके की घटना? 6 बजे सुबह 6 बजे पता लग गया। कैसे पता? किसी ने? उनके घर इकराम ने, इकराम और इमरान, इनका फ़ोन गया अपने घर वालों पे सुबह के अब्बू जी हमें बचा लो, और उनका उसके बाद से फ़ोन लग तो रहा, लेकिन हाँ उठ नहीं पा रहा फ़ोन उनका। यहाँ पे भी अंदर गए थे हम, 10 आदमी बता रहे हैं, हमारे 10 आदमी जो है ठीक ठाक कंडीशन में है, तो उनमें हमने पहचान करी, हमारे आदमी नहीं है इसके अंदर। उसने रेंट पे दे रखा था, जो फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग बाहर गए, जो उनके मिलने जुलने वाले होंगे, वो लोग आके यहाँ पे सोए थे, वो सोए के सोए रहे। आग लगाने जो बुझाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, सब लोग आग बुझा रहे थे, और उसके बाद से लगभग में 6:30-7 बजे वहाँ से एम्बुलेंस में सबको भर के ये अर्बन हॉस्पिटल, लगभग मेरे गांव के 30 लोग थे वहाँ पे, सारे लेबर के कारीगर और भतीजे, 3 भतीजे हैं मेरे। हाँ, तीनों वही अंदर ही सोते, अंदर ही सोते। अभी कुछ पता चला उनका? वो सुबह जो मेरे बड़े भाई का फोन आया गांव से कि भाई जाकर देख आओ तुम्हारे भतीजे की फैक्ट्री में आग लगी है। हाँ। अब मैं यहाँ आया तो यहाँ देखा तो हालात, ये बैग बनाते, बैग थैला बैग। हाँ, कुछ पता? अभी कोई पता नहीं। बड़े भतीजे का फोन आया था अपने वाली साहब के पास कि अबू ऐसे ऐसे आग लग गई है, लेकिन दो भाइयों का पता नहीं है। सुबह में अपने शादी करवा के आया था, अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी थी, परम आदरणीय अशोक साहब थे अपने पूरे डिपार्टमेंट के साथ, और काफ़ी लोगों की इन्होंने भी सुरक्षा करी है, और पर जो ताला लगा हुआ था छत पे उसको तोड़ कर ये जीने की सहायता से किसी भी तरह कुछ लोगों ने अपनी जान और माल की रक्षा करी है, और ये जो हादसा हुआ बहुत बुरा हुआ है। क्या करते थे? क्या अकेले? क्या फैमिली मेंबर थे जो कमाने वाले थे? हाँ, मेरा पापा अकेले थे, लगा उसको वो मेरा बहन दबा दिया अकेले, उसको उसकी माँ मत मार दे। तो ये महिला को आप सुन रहे थे विलाप कर रही थी, जिनका अपना अब इस दुनिया में नहीं है, और ये कई घरों की कहानी बन चुकी है, क्योंकि 43 लोगों की मौत हो चुकी है, और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, हरदीप पुरी ने कहा है कि सर्वे हुआ है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। हम आनंद तिवारी के पास चलते हैं। आनंद, बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं इस घटना के बाद, लेकिन अभी भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं और हम स्पॉट पर मौजूद हैं, जो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि ये संकरी गलियां हैं यहां पर, और लगभग हर इमारत में यहां पर एक अवैध फैक्ट्री चल रही है, क्या इस बारे में आपके अधिकारियों से बात हो पाई? जी देखिए, मेरे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स है, पहले मैं इनसे बात करता हूँ। महसूद नाम है इनका। इनके एक पड़ोसी थे गांव के, जिनकी इस आग में दर्दनाक मौत हुई है, साकिर की। महसूद, क्या आपने देखा था, क्या हुआ था? देखिए भाई साहब, हमने देखा नहीं है, ऐसा है कि हमारी फैक्ट्री वहाँ पे बाजू में है। हाँ। दो फैक्ट्री छोड़कर तीसरी फैक्ट्री हमारी है। हाँ। जी, साकिर नाम का बंदा था, उसके बारे में जहाँ तक पता चला है कि वो साकिर जो है यानी के निकल गया था बाहर आग लगते समय, फिर उसके बाद उसके जहन में आया कि अंदर जो है मेरा कुछ सामान रह गया है, चलो कुछ लोगों को उठा भी देंगे उसी बहाने। तो उसने जब अंदर गया तो वहाँ देखा कि जो है पर्स लेने के नीचे लिया, लेकर के जब निकलने लगा तो आग की लपट में आ गया वो भी। फिर उसके जहन में क्या आया कि उसने घर वालों को फ़ोन किया कि अम्मी मैं आप नहीं बच पाऊँगा, आग की लपट में मैं आ गया हूँ। उसके बाद से उनके घर वाले लाख संपर्क करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पाए। उसका कुछ देर पहले समझ लीजिए ले जाया गया उसके शव को, इंतकाल हो गया। ये कहाँ के शाकिर, कहाँ के रहने वाले थे? ये मधुबनी जिला मलमल। आप कब से जानते थे शाकिर को?
शाकिर, हम भी उसी गांव के रहने वाले हैं। हम लोग मदरसे में जो है साथ में पढ़े हैं। अच्छा। और यहां भी आने के बाद हम लोग हमेशा नमाज के लिए जाते थे। कितनी उम्र होगी शाकिर की? अकेले रहते थे या परिवार के साथ? नहीं, अकेले था। कितनी उम्र होगी शाकिर की? शाकिर की उम्र लगभग जो है 26-27 साल उम्र थी उसकी। ये बताइए महसूद भाई की यहाँ अंदर किस तरह का काम होता था? कुछ जानकारी तो मिली है कि फैक्ट्री में यहाँ पेपर वर्क होता था, लेडीज पर्स बनते थे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री भी बाजू में है। जी जी जी, मेरी जो है वो तो एम्ब्रॉयडरी की है। यहाँ पे जो है यानी के समझ लिए बैग का कारखाना है, कैप का था, पर्स का था, हर तरह के कारखाने हैं। और ये कारखाने वाले आते हैं और जाते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कौन कितने दिन से है। ये बताइए एमसीडी वाले आते हैं तो कोई मौका आपसे कोई तफ्तीश करते हैं कभी आके हैं कि आपका लाइसेंस है आपके पास, या आप ये काम जो कर रहे हैं ये कानूनी है गैर कानूनी है, कोई पूछते हैं कभी? कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आता है कोई एमसीडी से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से पूछने, क्योंकि आप फैक्ट्री चलाते हैं? मुलाकात नहीं हुई है, पर आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आते रहते हैं, पूछते हैं लाइसेंस के बारे में, कभी जो है सिलेंडर के बारे में जो आग के लिए सेफ्टी के लिए होता है वो सिलेंडर के बारे में भी आए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आग लगी थी। तो इस बिल्डिंग में क्या कोई थे आप सिलेंडर वगैरह आग बुझाने के, कोई फायर सेफ्टी के? अभी जो हमारे कोई ऑफिसर थे वो आए हुए थे, हर बिल्डिंग के अंदर जगह जगह पे जा जा करके उन लोगों ने दिया है, जबरदस्ती दिया है ताकि भाई तुम अपनी सेफ्टी के लिए रखो। आपकी बिल्डिंग में है फायर सेफ्टी के? जी जी, हमारी फैक्ट्री। कितने साल पुरानी फैक्ट्री आपकी? ये तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी। शाकिर के अलावा और कितने लोग हैं जिनको आप, शाकिर के अलावा और कितने लोग हैं जिनको आप जानते थे जो फैक्ट्री में थे? जानता एक को बस, शाकिर को जानता हूँ, बाकी और बहुत से हैं हमारे गांव के कारखाने हैं उसमें जी। लेकिन उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि अंदर जाना हुआ नहीं है, जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ पाए जिससे बात करके पता। बिल्कुल आनंद, हर किसी की यही कहानी है। कई लोग हमारे साथ भी मौजूद है जिनको अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिली है, हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं। बताइए मैम, ये सबसे पहले तो मैं आरोप लगाना चाहूंगा अपने बिहार सरकार को। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो आए थे कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अभी वो बिहार सरकार कहाँ है? अभी तो उनको कुछ बोले नहीं है। हम लोगों को तो कोई था इस फैक्ट्री में काम करने वाला? मेरा जानने वाला था मैम, तो जानने वाला था तो बिहार का ही था ना, मेरे देश का ही था ना, तो मुझे दुख नहीं होगा। उसके बारे में आपको पता चला है कहाँ पे? पता चला अभी तो हॉस्पिटल में अंदर जाने नहीं दे रहे, यहाँ भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे हैं कि कौन कहाँ है क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो बिहार सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए ना कि मैं अपने बिहार में, मैं अपने गाँव में इस सबको काम दूँ। काम अगर रहता तो हम बिहार वाले, यूपी वाले दिल्ली में शहर में क्यों घूमते, ऐसे क्यों धक्के खाते, ऐसे क्यों मरते मैम? मतलब ये गरीब आदमी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये लोग तो पॉलिसी निकाल देते हैं 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, बाकी जिंदगी कहाँ जाएंगे? 1 लाख में कट जाएगा? मरने के बाद बोलेंगे 2 लाख दे दूंगा, 4 लाख पहले से तैयारी कर जाए क्या, बाकी सारे उसके औलाद खा पाएंगे क्या 2 लाख 4 लाख में? अब पहले तो तैयारी नहीं करते, जब मर जाते हैं जिंदगी बिता लेंगे क्या? 2 लाख 10 लाख में देगी जिंदगी बीत जाएंगी उनकी पूरी साल जिंदगी। मौत हो गई 2-3 से, किसी 2 लाख 10 लाख कोई दे देगा? मैम मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मैम आप सरकार से ये पूछो, वोट के टाइम तो गली गली में हांडते हैं, वोट के टाइम तो गली गली में हांडते हैं, मैं चुप कर एक मिनट, वोट के टाइम में तो गली गली हांडते हैं मैम, जब वोट मिल जाते हैं जीत जाते हैं तो बिहार में क्यों नहीं जॉब दिलाते हैं, यूपी में जॉब क्यों नहीं दिलाते हैं? सहयोगी आनंद के पास कोई जानकारी है? आनंद, 20 पे हमारी टीम चली थी जामनगर हाउस से, जो NDRF की टीम है जी, उसके बाद हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सबसे पहले देखा कोई ऐसी गैस तो नहीं है या हजार्डस केमिकल नहीं है, वो पाया गया कि वो नहीं है। उसके बाद टीम ने सर्च किया और सेकेंडरी ऐसे टाइम में ऐसा हो सकता है कई बार बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, उसके लिए हमारे पास कटिंग एंड लिफ्टिंग का सामान है जो हमारी गाड़ी में लोड है, टीम अभी यहीं मौजूद है और अभी कंफर्मेशन एक बार सर्च हम और करेंगे। आदित्य जी, कितने लोगों की NDRF की टीम जो है यहाँ पर पहुँची हुई है, आप इसको लीड कर रहे हैं इस टीम को? जी, ये टीम एक फुल टीम है हमारी NDRF की, सर्च एंड रेस्क्यू की टीम, और गाजियाबाद से हम लोग, हमारी बटालियन है, और जामनगर हाउस में एक रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर है जो टीम यहाँ पर मौजूद है। आपने क्या पाया यहाँ पे, NDRF की टीम यहाँ पहुंची, एक महत्वपूर्ण कड़ी है, आप जब भी कोई आग लगती है या कोई बिल्डिंग गिरती है आप लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है यहाँ पे आके रेस्क्यू कराने के लिए, अभी अंदर के क्या हालात है क्योंकि आप देख के आए मौके को? देखिए, जब भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो NDRF का मैंडेट है और फायर के इंसिडेंट में फायर सर्विसेज लीड रोल करती है। अंदर क्या देखा है सर, अभी आपने क्या तो, लेटेस्ट हालात? जब हम वहां पर अंदर गए थे तो वहां पर थोड़ा थोड़ा अभी भी कुछ शायद कोई फैक्ट्रीज हैं वो किस सामान की, वो थोड़ा सुलग रहा है, बाकी रेस्क्यू पूरा किया जा चुका है। कोई शख्स अंदर बचाओ सर, आपको ऐसा कोई डाउट हो? नहीं, अभी डाउट नहीं है, कन्फर्मेशन जारी है। कन्फर्मेशन जारी है।
आपकी डेजिंग नंबर? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है, डिप्टी कमांडेंट। तो ये डिप्टी कमांडेंट थे हमारे साथ, ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है गाजियाबाद से और जामनगर हाउस से वहां से पहुंची हुई थी, इन्होंने पूरा जो विजिट है वो किया हुआ है और अभी पूरी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि क्या अंदर कोई लोग फंसे और तो नहीं है, क्योंकि दमकल विभाग ने तो बोल दिया है कि कोई लोग फंसे नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ अपनी संतुष्टि करने के लिए यहां पर उसकी टीम लगातार डटी हुई है। और जैसा कि हम आपको पहले बता रहे हैं कि अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी जो हीट है उसके चलते जो फॉरेंसिक टीम है उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कोशिश यह है कि अगर पूरी कूलिंग हो जाए उसके बाद जो पूरा मौका मुआयना है, जो क्राइम सीन है उसको पूरी तरह से विजिट किया जाएगा, फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और दिल्ली पुलिस अपनी तफ्तीश में जो रेयान है उसकी तलाश भी सरगर्मी से करेगी, क्योंकि वो शख्स जब सामने आएगा तो तमाम चीज़ें और साफ होंगी कि किस तरह से उसे लाइसेंस मिला था या नहीं मिला था, क्योंकि अब तक की जानकारी ना कोई लाइसेंस यहाँ पर नहीं था, गैर कानूनी तरीके से अवैध तरीके से फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। फोन आया गाँव से तुम्हारे भतीजे की फैक्ट्री में आग लगी है, दो बिल्डिंगों की आग थी, रीना कॉमन था, वो लोग आगे यहाँ पे सोए थे, वो सोए के सोए रहे, इकराम और इमरान इनका फ़ोन गया अपने घर वालों पे सुबह, अब मुझे हमें बचा लो, हम लोगों ने लाख कोशिश की बचाने की, बिल्डिंग के गेट बंद थे, हम लोग छत पे नहीं आ सकते थे। लेबर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, फायर। देखिए मैं अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यहाँ पर अभी जयप्रकाश अग्रवाल है हमारे साथ, सीधे बात करते हैं उनसे। जेपी जी, एमसीडी की सीधी लापरवाही यहाँ पे नजर आ रही है और 43 लोगों की मौत हो गई है, ये आंकड़ा इससे पहले कभी दिल्ली में ऐसी घटना देखने को मिली, दर्दनाक। सर, दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है और एमसीडी की भी जिम्मेदारी है, और तीसरा यहाँ से जो सांसद हैं वो भारत सरकार में मंत्री हैं, वो भी आग बंद करके बैठे रहे, वो भी चुप रहे, तो सबकी जिम्मेदारी है, तो ये पता लगेगा अभी जब इसकी इंक्वायरी होगी। सर, एमसीडी के अधिकारी यहाँ पे आए, वो कहते हैं कि घरेलू उद्योग लगाना कोई जुर्म नहीं है, हमने उनसे पूछा कि क्या वो लाइसेंस था, कह रहे हैं उसकी जांच कराई जाएगी, हमेशा ऐसी जांच होती है लेकिन लोगों की मौत होती, करोल बाग में भी घटना देखने को मिली थी। नहीं, जो भी जाँच होगी कार्रवाई हो, सबसे बड़ी बात है जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी सूरत में भी, बहुत बड़ा हादसा है ये, हाँ ये काला टीका लगता है किसी भी शहर पे इस तरह के हादसे से। सर, चुनाव नजदीक है, इसको भुनाने की कोशिश भी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं क्या? सर मुझे मालूम नहीं, मैं इस आपकी पार्टी की तरफ से सर कोई मदद की, कोई आपकी पार्टी की तरफ से कोई आप लोग ऐलान कर रहे हैं? सुभाष चोपड़ा जी आए थे, वो सुभाष चोपड़ा जी आए थे, वो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो वो क्या कह के गए मुझे उसके कोई बड़े और आपके लीडर यहाँ पे क्या फैमिली से लोगों से मिलने आने वाले हैं, कोई जानकारी? आएंगे, जो भी आएंगे, अब सबको पता लग रहा है धीरे धीरे कौन कहाँ है, तो आएंगे तो सभी। तो ये जयप्रकाश अग्रवाल जी थे हमारे साथ बात करने, इनसे सीधे तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार की भी लापरवाही है, एमसीडी की लापरवाही, और लापरवाही की जवाबदेही जरूर तय होना चाहिए, दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, तो आनंद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं जो कि कांग्रेस नेता से बातचीत कर रहे थे और हम फिल्मिस्तान इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली वालों के लिए आज का दिन ब्लैक संडे साबित हुआ है, 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि पहले भी 1 से 1.5 साल पहले इसी फैक्ट्री में आग लगी थी, तब दमकल विभाग को सूचना नहीं दी गई थी, जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन्होंने ही आग पर काबू पाया था और अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये इलाका है यहाँ पर संकरी गलियां हैं, रिहायशी इलाका है और हर एक घर में इस तरह की फैक्ट्री चल रही है। कुछ लोग हैं जिनके अपने नहीं मिल पाए हैं, वो हमसे कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, बताइए। मैम, मेरा भाई एक मोहम्मद तौकीर नाम है, वो मिल नहीं रहा सुबह से और पता नहीं चल रहा, स्टीफन हॉस्पिटल भी हमने जाके पता है, उनकी फोटो है ये, आइडेंटिफाई करवा दो इनकी फोटो। जी, आपका भाई है? जी मेरा भाई है, चाचा का लड़का है मेरे। चाचा का लड़का है, फोटो इतना ही है, इतना ही। मेरी बात रात को 1 बजे उनसे हुई थी, वो बोल रहे थे ठीक है, सब चीज ठीक था, वो काम कर रहा था, वो फोन रख दिया, बोला सुबह मिलते हैं आज के 1 बजे तक वो काम करते हैं, रात को 2 बजे तक काम होता है एक्चुअली, ठीक है। तो 1 बजे मैं फोन किया था तो वो कह रहा है कि सही हूँ, ठीक है, सब चीज़ हुआ था, और उसके बाद आज मिलने वाला था, सुबह 5 बजे हमें खबर आई कि यहाँ आग लग गई, हम आए तो फिर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और मिल भी नहीं रहा, वो हॉस्पिटल न्यूज़ पे बता रहे हैं कि 5 हॉस्पिटल है स्टीफन वगैरह, तो हमने जाके 1-2 जगह चेक भी किया, कुछ पता नहीं चल रहा वहाँ, और जाने भी नहीं दे रहे, फिर हम करें क्या, फोटो है हमारे पास, फोटो दिखाइए, फोटो ये रही, थोड़ा लाइट बढ़ा लो, आप बताइए। मैम, यहाँ का जो लापरवाही है सबसे मेन चीज़ ये है, हादसे होते रहते हैं लेकिन जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इस पे सख्त कार्रवाई किया जाए जो आगे ऐसा हादसा ना हो किसी के साथ, बहुत जो है दुखित बात है ये, और ऐसे हादसे होते रहते हैं, अग्नि फायर जो लगवाना चाहिए
आग की व्यवस्था करना चाहिए काम करने से पहले, और वो काम जो होता है वो काम के इलाके में किया जाए। बताइए। ये रहा मैम फोटो, और सुबह से हम लोग इसका पता कर रहे हैं, कोई पता नहीं हो रहा है। किसका ये कौन है आपका? हमारे गांव के है, तौकीर नाम है इनका, और इनके भाई लोग रहते हैं चेन्नई में। जी ये रहा फोटो, देखिए आप, दिख रहा है तौकीर है, ये आपके भाई हैं? तो हमारे कजन है, मतलब हमारे गांव के हैं वो, एक ही गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, और ये बारे में रहता है, और हम जामिया में रहते हैं। तो वहां से हम यहां आए हुए थे, और लगभग हम लोग उसी कमरे में थे जिसमें आग लगी थी ना, उसके मतलब बगल में जो है उसमें हम लोग थे। आप भी थे उसमें? उसमें ना, उसके बगल में थे। तो काफी ज्यादा धुआं, 4 बज रहा था करीब, 4:30 हो रहा था, और 4 बज रहा था, और काफी ज्यादा आवाज हो रही थी, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा फटाका फूट रहा था। उसके बाद एक लड़का चिल्लाया अल्लाह के लिए हमें बचाओ, खुदा के लिए हमें बचाओ, तो फिर सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए ऊपर से, और काफ़ी ज़्यादा उससे धुआं निकलने लगा। उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया गया, उसके बाद 15-20 मिनट बाद लगभग पुलिस आई। तो जब पानी का जो प्रेशर था, वो पुलिस तो सही टाइम पे आई, लेकिन प्रेशर उनका काफ़ी ज़्यादा कम था, और जो लोग हल्ला कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा 10-12 लोग लगभग हल्ला कर रहे थे खिड़की के सामने, और जब आधा घंटा हुआ 45 मिनट लगभग, तो सिर्फ 2-3 लोग हल्ला कर रहे थे, बाकी लोग का पता नहीं चला। और उसके बाद फिर जो है ना ग्रिल काटा गया, तो उनमें से 2 लड़के निकले, वो पूरा उनका आदमी आया, वो पूरा लगा के और ग्रिल को पूरा काटा गया, और काटने के बाद एक आदमी फिर उनसे उनके अंदर से तेजी से निकला, मतलब एक सीढ़ी लगा हुआ था एक अटैच में, ऊपर से छत से सीढ़ी लगा हुआ था, एक आदमी तेजी से निकला, और 2 मिनट बाद लगभग दूसरा लड़का निकला, उसका पूरा मुंह काला था, और उनका हाथ मतलब इससे धुएं से काला था, और उनका हाथ पूरा ऐसे थोड़ा सा ऐसा लगा कि छिलाना हुआ था या कुछ लाल टाइप का था। उसके बाद फिर उसे लेटा के उसे खींचा गया, निकाला गया। उसके बाद फिर 2-4 मिनट तक कुछ पता नहीं चला, फिर हल्ला किया, कोई है भाई निकलो। फिर जाके उन्होंने देखा तो देखा कि 5-6 लोग वहाँ पे पड़े हुए थे। तो आप लोग कैसे बाहर आए? हम लोग दूसरे वाले कमरे में थे, मतलब उनके जो पीछे साइड से ना, और उसके सामने वो पूरा दिखता रहता है, और फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे जो था ना शायद, वो पूरा धुएं से भर रहा था, और काफी ज्यादा वहाँ पे दिक्कत हुई, बहुत खराब। कई लोगों की मौत, जो 43 मौतें हुई हैं, उसमें बार बार हम ये कह रहे हैं कि 43 में से अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। इस बीच कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो हम सुन लेते हैं। आज सुबह इस फैक्ट्री में आग लगी थी, और उस आग लगने की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अभी पता नहीं चला है, लेकिन एसर्टेन कर रहे हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दुख की बात है। मैंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं, एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो जांच के बाद पता चलेगा, और जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे, और जो लोगों की डेथ हुई है उनको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल हैं उनका सरकार सारा इलाज करवाएगी, और 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। जो अभी तक कारणों का पता चल रहा है, शॉर्ट सर्किट है, और एक बिल्डिंग के एक चौथे फ्लोर पे मैक्सिमम जो लोग वहाँ पे रात को सोए हुए थे, आग लगने के बाद कुछ जलने से और कुछ लोगों की सफोकेशन से कैजुअल्टी हुई है। ये बहुत दुखद घड़ी है, शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्या कहा जा सकता है। प्राइमर फेसी 2-3 सवाल उठते हैं मन में कि ये लोग जो फैक्ट्री चला रहे थे प्लास्टिक बैग की, कोई फैक्ट्री प्लास्टिक बैग बनाने की, तो ये फर्स्टली इनका पास प्रॉपर लाइसेंसिंग थी, प्रॉपर परमिशन वगैरह था या नहीं? ये कोई इलीगली तो नहीं चल रहा था? अगर इलीगली चल रहा था, क्योंकि ये एरिया इतना कंजेस्टेड एरिया है, तो ये डेफिनेटली जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नज़र, उनसे छुपा के नहीं काम हो सकते हैं। तो तमाम रिएक्शंस भी हम सुन रहे थे, और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जब भी कोई घटना हो जाती है उसके बाद सियासत होती है, जवाबदेही तय करने की कोशिश होती है, दोषियों पर कार्रवाई होगी ये कहा जाता है, जांच की बात होती है, लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे हादसों को रोका नहीं जाता है। और आपको याद होगा 1.5 साल पहले दिल्ली के करोल बाग होटल में आग लगी थी, उसके बाद तमाम होटल में जहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे उनको सील करने की बात हुई थी, और इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जिस
इमारत में ये आग लगी वो अवैध रूप से चल रही थी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ये शुरुआती तौर पर जानकारी सामने आई। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। खुद फायर सेफ्टी विभाग का ये कहना है कि उन्हें दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम स्पॉट पर मौजूद हैं फिल्मिस्तान इलाके में, अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने लापता हैं, उनके बारे में उन तक सूचना नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो रोजगार के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन रोजगार उनको यूपी बिहार के सबसे ज्यादा लोग थे। जो लोग अभी लापता हैं उसमें अधिकतर लोगों की संख्या बिहार से है और वो ये कह रहे हैं कि वहां पर रोजगार नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ आते हैं, उनको कम पैसे मिलते हैं, ओवरटाइम उनसे करवाया जाता है और उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, आप बताइए। मैम, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी से सब लोग भाग रहे हैं, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इंसान की जो जान है क्या इतनी सस्ती है कि उनको आप 10 लाख 5 लाख मुआवजा दे दें, बात खत्म हो गई और इसको ढक दिया जाए। यहाँ तक कि लोग जो इनके अपने हैं जो लापता है उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको लेके कहाँ गए हैं, छुपा के ले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हॉस्पिटल लेंगे, एग्जैक्ट पता है। आप मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं 10 लाख दिल्ली सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी सस्ती है क्या जान, क्योंकि जब सीलिंग हुई है दिल्ली में तो यहाँ पे कुछ पैसे लोगों को खिला के यहाँ पे अवैध रूप से ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, मैं ये सवाल है मेरा सरकार से कि क्यों चल रही हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं अभी।